नमस्ते दोस्तों, मेडिसिन किंगडम में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में बात करेंगे क्लियर डी सिरप के बारे में, ड्राई सिरप के बारे में, जिसका की कंपोजिशन है क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन ये जो क्लियर डी के नाम से ड्राई सिरप के फॉर्म में अवेलेबल होता है, देख सकते हैं इस तरह का ड्राई सिरप होता है, इसमें डिस्टिल्ड वाटर रहता है, इसको इसमें मिक्स करके यूज में लिया जाता है बच्चों के लिए। मेरे पास जो अवेलेबल है वो है 125 mg का जो है क्लियर डी सस्पेंशन, 125 mg का जो ड्राई सिरप आता है वो अवेलेबल है। इसका 250 mg भी अवेलेबल होता है ड्राई सिरप के फॉर्म में, और 500 mg का भी जो है 250 mg और 500 mg का भी टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, जो कि बड़े लोगों के लिए होता है, एडल्ट के लिए होता है। और 125 mg 250 mg ये जो है बच्चों के लिए होता है, 250 mg थोड़ा बड़े बच्चों के लिए होता है, और जो 125 mg है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन ये एक ही ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, जैसे माइक्रोलाइट एंटीबायोटिक्स के अंदर अंतर्गत आता है ये। और ये जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट दवा है ये। सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला ये ENT डॉक्टरों के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर जो होते हैं उनके द्वारा ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि जिनको कान का इन्फेक्शन हो गया हो, नाक का इन्फेक्शन हो गया हो, गले का इन्फेक्शन हो गया हो, उस कंडीशन में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे निमोनिया का कंडीशन हो जाता है उस कंडीशन में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। कान में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, कान बह रहा हो, या फिर कान में किसी भी तरह का जख्म हो या कुछ भी हो, उस कंडीशन में इसको यूज़ में लिया जाता है। नाक में, नाक के बोन में सूजन आ गया हो, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रहा हो, या और भी कोई समस्या इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव है। गले में टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, गले में टॉन्सिल बढ़ गया हो, टॉन्सिल में पस बन गया हो, गले में इन्फेक्शन आ गया हो, उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है क्लेरिथ्रोमाइसिन को, और बहुत इफेक्टिव भी होता है। और लंग्स इन्फेक्शन में, जैसे कि बच्चों में न्यूमोनिया का समस्या हो जाता है, सांस फूलने का समस्या होता है, तो उस कंडीशन में फेफड़ों में जो है पानी आ जाता है, उस कंडीशन में भी जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन को यूज़ में लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके बाद भी यूज़ इसके बहुत सारे हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, रैसेज हो गया हो, दिनाए हो गया हो, खुजली हो गया हो, एक्जिमा हो गया हो, उस कंडीशन में भी इसको यूज़ में लिया जाता है, बहुत इफेक्टिव देखा गया है। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब इसके डोज के बारे में बात करते हैं, तो डोज जो है वो कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन का किसी भी वीडियो को देख के इंटरनेट से सर्च करके डोज नहीं देना चाहिए, बिना डॉक्टर के, मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह के जो है किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन को अपने बच्चों को या खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शेड्यूल एस, जिसमें ये लाल पट्टी दिख जाए आप समझ जाए ये शेड्यूल एस ड्रग्स है, बिना डॉक्टर के सलाह के आपको नहीं लेना है। मेरा काम है, मैं आप लोग को सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ मेडिसिन का, जिससे कि आप समझ सकें कि इसका ये कार्य है। बाकी डोजेज जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, और बच्चों का जो समस्या है या आपका जो समस्या है ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से डोज को दिया जाता है। तो वो डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर वेट करके और प्रॉब्लम को जान करके डोज को बताते हैं, तो इसीलिए डोज क्लियर मैं नहीं करूँगा। अब इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि कॉमन से साइड इफेक्ट में जैसे कि है उल्टी के जैसा लगना, मितली के जैसा लगना, डिहाइड्रेशन होना, डायरिया होना, इस तरह का कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, पेट में दर्द आना, इस तरह के छोटे छोटे मतलब कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर डोज मेडिसिन का ज़्यादा पड़ जाएगा तो इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसीलिए एलोपैथिक मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह के, मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह के भूल से भी ना लें, ना अपने बच्चों के दें, ना किसी और को यूज़ करवाएं, ध्यान रखें। तो क्लेरिथ्रोमाइसिन जो क्लियर डी के नाम से आता है, अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे क्लियर गार्ड या और भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल होता है। कंपोजिशन उसका क्लेरिथ्रोमाइसिन है, तो उसके बारे में आप समझ चुके होंगे कि इसका यूज़ क्या है, डोज क्या है और साइड इफेक्ट क्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।